हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा क्लास सेवेंथ की हनी कॉम का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है 3 क्वेश्चंस। ओके, सो वी स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू द कर्टेन किंग डैट ही वुड नेवर फेल इफ द न्यू 3 थिंग्स। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. Okay, so मैं इसकी explanation बता देता हूँ आप लोगों को कि एक बार कर्टेन राजा को माइंड में एक थॉट आया कि अगर वो इन 3 चीज़ों को जानता है तो वो कभी फेल नहीं होगा। ओके, सो ये 3 चीज़ें थी। सबसे पहले कि हर एक काम करने का सही समय क्या है, किसकी बात उसको सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। द किंग देयर फोर सेंड मैसेंजर्स थ्रू हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसने क्या किया कि अपने किंगडम से मैसेंजर्स भेजे और प्रॉमिस किया कि मैं लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा उसको जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट एनी ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। कई वाइस मैन आए, मतलब कि कई चतुर आदमी आए और उन्होंने आंसर देने की कोशिश की, बट सबके अलग अलग आंसर्स थे। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything. It's prepared time. एक आदमी, कई लोगों ने कहा कि उसको एक टाइमटेबल प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि वो कर पाएगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओके, अदर सेड डैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम। एक आदमी ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई किसी भी राइट टाइम को अचानक से ही डिसाइड कर ले एडवांस में फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर। कि जो किंग था वो देखता रहा और सुनता रहा, नोटिस करता रहा, और जो फुलिश प्लेजर थे, मतलब कि जो फालतू में दिए जा रहे थे आंसर्स, उनको अवॉइड करते रहा। एंड ऑलवेज डू, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंड ऑलवेज डू वट एवर सेम नेसेसरी एट टाइम येट अदर से डैट द किंग नीड काउंसिल फॉर वाइस मैन हु वुड हेल्प दैम एक्ट अ द प्रॉपर टाइम। कई तो वो था सीम्ड नेसेसरी करता रहा टाइम को, और कई लोगों ने फिर कहा कि उसको काउंसिलर्स रखने चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम बता सके, एक्ट कर सके एक टाइम पे। ठीक है, तो दिस वॉज बिकॉज वंस मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। एक आदमी ने इसको सिद्ध कर दिया कि यह तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी के हेल्प के कोई आदमी राइट टाइम पे राइट एक्शन ले सके। बट देन अदर सेड दैट दे वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। एक आदमी ने कहा कि कुछ अर्जेंट भी होता है, देयर वर कुछ अर्जेंट भी होता, मतलब कि जैसे कि हमने टाइम टेबल फॉलो किया, टाइम टेबल बनाया या फिर काउंसिल उठाई, कुछ काम अर्जेंट भी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। दिस थिंग्स कुडंट नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो इन वर्क्स के पास कई चीज़ें अर्जेंट भी होती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो काउंसिल बिठा सके और फिर सही वो पता कर सके। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ necessary to look into the future. Anyone magician could do that, the king there would have to go to magician. कि एक आदमी ने कहा कि ये
भविष्य देखना तो सिर्फ एक मैजिशियंस का ही काम है। तो किंग ने उसकी बात पे गौर किया, उसको समझा, परखा और फिर वो मैजिशियन के पास गया। इन द आंसर द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसिलर्स, अदर सेड दैट प्रिस्ट एंड फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कई लोगों ने कहा कि उनके लिए काउंसिलर जरूरी है किंग के लिए, कई लोगों ने कहा प्राइड्स, कई लोगों ने कहा डॉक्टर और कुछ लोगों ने कहा सोल्जर्स, मतलब कि आर्मी के जो मतलब आदमी होते हैं ना आर्मी में जो रहते हैं उनको पहले हम सोल्जर्स कहते थे। ओके, अभी वैसे कोई लोग कहते हैं सोल्जर्स, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूज फाइट एंड येट अदर रिलीजन्स वर्शिप। तो कई लोगों ने कहा कि वो फाइट करें, क्या काम उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कई लोगों ने फाइट कहा और कई लोगों ने रिलीजन्स। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सफिशियंट एंड नॉट गिव रिवॉर्ड, इंस्टेड ही डिसाइड टू स्पीक अ एडवाइस ऑफ द हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। द हर्मिट लिव इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट। इसका मतलब है जो मतलब कि किंग ने क्वेश्चंस पुट किए थे उनमें सबके आंसर्स डिफरेंट थे, जिससे राजा सफिशिएंट नहीं था और उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि मुझको हर्मिट के पास जाना चाहिए इसको एडवाइस लेने के लिए इन क्वेश्चंस की, फिर वो हर्मिट के पास गया। जो हर्मिट था वो अपने विजडम के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमस था और वो लकड़ी के अंदर रहता था और उसने वो लकड़ी कभी नहीं छोड़ी। वैसे इसके मतलब लकड़ी का घर हो सकता है बट यहाँ पे वुड दे रखा ओनली। ओके, ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स। मतलब कि जो किंग था वहाँ पे जो वो रहता था हर्मेट, उसने ना किसी को नहीं देखा था और जो किंग था वो बिल्कुल सादे कपड़ों में गया हुआ था। किंग जो था वो बिल्कुल ही सादे कपड़ों में गया हुआ था। देखो मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, देखो क्लोथ्स ये दिख रहा है ना, इससे ऊपर यहाँ पे हूँ मैं। वो बिल्कुल ही सादे कपड़ों में गया हुआ था। बिफोर द रीच द हर्मिट हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हाउस विद हिज बॉडीगार्ड। मतलब कि जब हर्मिट घर गया, अपने घर की तरफ गया हर्मिट, बट उससे पहले ही किंग ने उसका घर छोड़ दिया था अपने बॉडीगार्ड के साथ एंड वेंट ऑन अलोन। जो हर्मिट था वो अलोन हो गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हाउस, जब द्वार से किंग उसके हर्मिट हाउस के पास गया, उस हर्मिट के हाउस के पास गया, तो उसने ही सो डैट हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked hard. Okay, so इसका मतलब है कि जब राजा उसके पास गया था तो उसने राजा को देखा हर्मिट ने, लेकिन फिर भी वो अपनी डिगिंग का काम कंटिन्यूसली करता रहा, जो वो अपने घर के सामने डिगिंग कर रहा था, मतलब कि खुदाई कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद इसमें बताया गया कि राज वो जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी था। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है देखो, हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। ये देखो यहाँ पे है, एक मिनट दिखा देता हूँ ना आपको। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, ये रहा द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रेक्ड हैवीली, मतलब कि वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा जोर से काम कर रहा था। ही द किंग वॉन्ट अप टू द हर्मिट एंड सेंड आई हैव केम टू यू वाइस हर्मिट। राजा उसके पास गया और उसको कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस हर्मिट, मतलब कि
जैसे कि बीरबल था ना, बहुत ही ज़्यादा चतुर, उनको वाइस कहते हैं, चतुर चतुर हर्मिट। टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस के आंसर लेने आया था। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट एफेंट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कि उसने वही तीन क्वेश्चन उसके सामने रिपीट किए कि राइट टाइम क्या है, राइट आदमी कौन है, और उसके लिए राइट काम क्या है। ओके, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट किंग को सुन रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था कुछ भी। ही वॉन्ट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, किंग ने कहा कि तुम थके होगे। ठीक है, तो लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस। उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा स्पेड ले लेता हूँ और तुम्हारे प्लेस पे वर्क करता हूँ। स्पेड देखो ये होता है, ये जो हर्मिट के हैंड में दिख रहा है ना, इसको स्पेड कहते हैं। ओके, थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग अ किंग हिज स्पेड। हर्मिट ने उसको थैंक्स कहा और अपना स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, जो हर्मिट था फिर वो ग्राउंड पे बैठ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द किंग हैड डग टू बैंड, मतलब कि जब किंग ने दो बार डिग किया, मतलब कि दो बार खोदा, ही स्पॉक आई रिपीट हिज क्वेश्चन, उसने बोला और उन क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्टिकिंग आउट हिज हैंड। हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और बस अपने हाथ हाथों से कुछ करता रहा। फॉर अ स्पैड एंड सैड नो नाउ यू रेस्ट एंड आई लेट मी वर्क, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। फिर हर्मिट ने कहा कि अब तुम थक गए होगे और मैं तुमसे अपनी स्पेड वापस लेके काम पे लग जाता हूँ, लेकिन जो किंग था उसने स्पेड नहीं दी हर्मिट की और वो कंटिन्यूसली डिगिंग करता रहा, मतलब कि खुदाई लगातार करता रहा। वन आवर पास देन अनदर द सम वॉन्ट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। थोड़ा एक घंटे बाद जो सूरज होता है वो ट्री के बिहाइंड आ गया था, ट्री के पीछे, मतलब कि शाम हो गई थी, एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि शाम हो गई थी। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रिक अ स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। कुछ समय बाद किंग थक गया और उसने स्पेड जो थी, जैसे कि स्पेड स्पेड ये जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ग्राउंड पे रख दी। एंड सैड आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइस मैन, मतलब कि चतुर आदमी, अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी ओन आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मुझको इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो तो मुझे बताओ, वरना अगर नहीं दे सकते तो मैं अपने घर जाऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, फिर ये यूट्यूब पे डलने की नहीं मुझसे। सो मैं अब अगली वीडियो में मैं आगे समझा दूँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। और फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ऑल का।